नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 मार्च, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी आगे। जीविका दीदी करेगी 3722 टोलों में शराबबंदी का विशेष प्रचार। आज है चैत्र नवरात्रि का महाअष्टमी। पीपीएफ सुकन्या समृद्धि जैसी योजना में बड़े बदलाव की तैयारी। आईपीएल 2023 के स्वागत समारोह में ये सितारे करेंगे परफॉर्म। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीपीआरआई ने 99 पदों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इंजीनियरिंग ऑफिसर, टेक्नीशियन, असिस्टेंट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुल 99 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हर पद के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, जो उम्मीदवार सीपीआरआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जारी किए गए नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। बता दें कि इसके लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 23 अप्रैल 2023 तक निर्धारित की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधिकारिक वेबसाइट cpri.res.in के माध्यम से करियर सेक्शन में जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बिहार बोर्ड 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी आगे। वैसे विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा में भाग ले रहे हैं, यह खबर उनके लिए है। बता दें कि अब बिहार बोर्ड की ओर से बिहार बोर्ड 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 23 मार्च से शुरू की गई थी, जो कि 27 मार्च को खत्म हो चुकी है, लेकिन अब बोर्ड के द्वारा इस तारीख को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि अब विद्यार्थी 30 मार्च तक बिहार बोर्ड 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो कि इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com पर मौजूद है। जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा का रिजल्ट मई 2023 में घोषित किया जाएगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रामायण तिवारी के बारे में। रामायण तिवारी एक बॉलीवुड अभिनेता थे जो अपने उपनाम तिवारी से अधिक प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने 36 साल के लंबे फिल्मी करियर में लगभग 125 फिल्मों में काम किया। उन्होंने मधुमती, यहूदी, जिस देश में गंगा बहती है, मेरा साया, कल, आज और कल जैसी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। वह मूल रूप से बिहार के पटना के मनेर के रहने वाले थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 9 मार्च 1980 को मुंबई में उनका निधन हो गया। उनके बेटे का नाम भूषण तिवारी था, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में एक चरित्र कलाकार के रूप में काम किया। मुंबई में सबसे पहले उन्हें प्रभात स्टूडियो नाम के एक स्टूडियो में नौकरी मिली, जहां कई फिल्मों की तस्वीरें खींची जाती थी। एक बार स्टूडियो में मन मंदिर नामक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिसमें एक दिन एक चरित्र कलाकार अनुपस्थित था। नतीजतन फिल्म के निर्देशक ने तिवारी को वही भूमिका ऑफर की, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। यह उनकी पहली फिल्म थी। रामनवमी पर महावीर मंदिर में 20,000 किलो बन रहा नैवेद्य। बिहार की राजधानी पटना में स्थित महावीर मंदिर में रामनवमी को लेकर भव्य रूप से तैयारियां की जा रही है। बता दें कि मंदिर नया सचिव आचार्य किशोर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रामनवमी को लेकर महावीर मंदिर में 20,000 किलो नैवेद्यम बनाए जा रहे हैं और साथ ही भक्तों की सुविधा के लिए नैवेद्यम के 14 काउंटर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही लोगों को महावीर मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हनुमान जी के दोनों विग्रहों और राम दरबार के लाइव दर्शन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए वीर कुंवर सिंह पार्क से लेकर मंदिर परिसर तक कुल 16 बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं। इसके अलावा भक्तों को धूप और गर्मी से ज्यादा परेशानी ना हो, इसको लेकर भी इंतजाम किए जा रहे हैं। बता दें कि इस दौरान महावीर मंदिर की ओर से लगभग 200 निजी सुरक्षाकर्मी और स्वयंसेवक श्रद्धालुओं की सहायता ली गई है। मालूम हो कि भक्तों की सुविधाओं को देखते हुए कई और भी इंतजाम किए जा रहे हैं। जीविका दीदी करेंगी 3722 टोलों में शराबबंदी का विशेष प्रचार। राज्य में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रतिदिन शराब की खेप बरामद की जाती है। ऐसे में शराबबंदी को राज्य में और भी अच्छे से लागू किया जा सके, इसके लिए सरकार की ओर से जीविका दीदी को नई जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि जिम्मेदारी के अंतर्गत जीविका दीदी राज्य के सभी जिलों के 3722 टोलों में शराबबंदी का विशेष प्रचार करेंगी। बता दें कि 3722 टोलों की गिनती संवेदनशील टोलों में की जाती है, जहां शराब की बिक्री, तस्करी या बरामदगी जैसे कार्यों को अंजाम दिया जाता है। बता दें कि जीविका दीदी के इस विशेष प्रचार के अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल से की जाएगी, जो कि 31 जुलाई 2023 तक चलेगी। उसके बाद इन टोलों को मॉनिटरिंग भी किया जाएगा। मालूम हो कि इसके लिए उत्पाद एवं मद निषेध विभाग के द्वारा जीविका दीदी के साथ कार्य रूपी रेखा तैयार कर ली गई है। बिहार के 26 शहर उड़ान योजना के तहत चयनित।
बहुत जल्दी पटना, गया और दरभंगा जाकर हवाई सेवा करने वाले बिहार के लोग अपने शहर में भी हवाई सेवा का लुत्फ उठा सकते हैं। बता दें कि वर्ष 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा छोटे शहरों से हवाई जहाज परिचालन के लिए शुरू की गई उड़ान योजना के तहत बिहार राज्य के 26 शहरों को सूची में शामिल किया गया था। बता दें कि सूची में बिहार के जिन 26 शहरों को शामिल किया गया था उनमें आरा, बेगूसराय, बेतिया, कैमूर, भागलपुर, बिहारशरीफ, बिहटा, वीरपुर, बक्सर, छपरा, डेहरी, आनसोन, फारबिसगंज, हथवा, जहानाबाद, जोगबनी, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नरिया, पंचनपुर, रक्सौल, सहरसा तथा वाल्मीकि नगर के नाम शामिल है। बता दें कि इन सभी 26 शहरों को अपरिचलित तथा अल्प परिचलित सूची में रखा गया है। आज है चैत्र नवरात्रि का महाअष्टमी। 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई थी, वहीं आज यानी कि 29 मार्च को चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन है, जिसे चैत्र नवरात्रि का महाअष्टमी भी कहा जाता है। मालूम हो कि आज के दिन कन्या पूजन होती है, जिसे दुर्गाष्टमी भी कहते हैं। बता दी कि आज के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने नवरात्रि के 9 दिन तक कोई पूजा और व्रत नहीं किया है और आप अष्टमी और नवमी के दिन व्रत रखते हैं तो आपको 9 दिन की पूजा का फल मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ महागौरी की पूजा करने से जीवन में आ रही कई परेशानियां दूर हो जाती है। वहीं माँ महागौरी की पूजा करने के दौरान सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि ये माँ महागौरी का प्रिय रंग माना जाता है। इसके साथ ही उन्हें प्रिय भोग के रूप में नारियल चढ़ाया जाता है। इस दिन हो सकती है सीईटी बीएड 2023 की परीक्षा। सीईटी बीएड 2023 की परीक्षा को लेकर नोडल संस्थान ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा प्रदेश के सभी 14 विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारी के साथ बैठक की गई, जिसमें परीक्षा एवं काउंसलिंग प्रक्रिया पर चर्चा की गई। बता दें कि सीईटी बीएड 2023 की परीक्षा 8 अप्रैल को संभावित है, वहीं अभ्यर्थी 30 मार्च से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह परीक्षा 342 कॉलेजों में 37,550 सीटों के लिए ली जा रही है। मालूम हो कि सीईटी बीएड 2023 की परीक्षा में प्रश्न पत्र छात्रों के सामने ही परीक्षा हॉल में खोले जाएंगे। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे गांधी संग्रहालय के बारे में। यह संग्रहालय बांकीपुर बालिका उच्च विद्यालय के पास में महात्मा गांधी की यादों से जुड़ी कोई नई चीजों को एकत्रित कर बनाया गया एक अद्भुत संग्रहालय है। कुछ समय पहले इस संग्रहालय में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र भी स्थापित किया गया है, जो कि पर्यटक स्थल के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है। संग्रहालय की विशेषता यह है कि इसमें महात्मा गांधी की जीवन शैली में उपयोग किए जाने वाले साधनों की हुबहू वस्तुओं को बनाकर बनाई गई है, जिसमें गांधी जी का चरखा, गांधी जी का कपड़ा, गांधी जी के खड़ाव, उनकी मूर्ति तथा गांधी जी के विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों तथा यादों से जुड़े हुए फोटो तथा पेंटिंग को भी रखा गया है। वहां पर एक छोटा सा पुस्तकालय भी स्थित है, जिसमें गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तकों तथा उनके द्वारा दैनिक उपयोग में लिए जाने वाले पाठ्य पुस्तकें का नायाब संग्रह किया हुआ है। सीएम नीतीश से मिले 2022 बैच के आईएफएस के ट्रेनी अफसर। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय विदेश सेवा के 6 प्रशिक्षु अधिकारियों के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई। बता दें कि सभी प्रशिक्षु 2022 बैच के हैं और इन सभी ने सीएम नीतीश से मुलाकात बिहार विधानमंडल के विस्तृत भवन स्थित कक्ष में की। बता दें कि जिन 6 प्रशिक्षु अधिकारियों ने सीएम नीतीश से मुलाकात की उनमें बिहार के औरंगाबाद जिले की रहने वाली शुभ्रा कुमारी, कटिहार जिले के अमन अग्रवाल, रोहतास जिले के अमन आकाश, भागलपुर जिले के राज आनंद, भागलपुर जिले के अनुराग नयन तथा पुरानी दिल्ली के रहने वाले लक्ष्य आनंद के नाम शामिल है। इस दौरान सभी प्रशिक्षुओं ने सीएम नीतीश से अपने अपने अनुभव साझा किए। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी प्रशिक्षु को उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए बधाई दी। सदन में पुलिस प्रशासन पर लगा गंभीर आरोप। बीते दिन बिहार विधानसभा में आरजेडी, कांग्रेस और भाकपा माले के द्वारा बिहार में पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि थानेदार एफआईआर कराने के लिए लोगों को दौड़ाते हैं, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं होता। बता दें कि आरजेडी विधायक ऋषि मिश्रा का कहना है कि पूरे बिहार का यही हाल है कि अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो आपको एफआईआर दर्ज कराने के लिए दौड़ते रहना होगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर में मोबाइल कंपनी के टावर से सिस्टम और कई अन्य सामान की चोरी की घटना के बारे में भी जानकारी दी। वहीं भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा के द्वारा कहा गया कि सरकार को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ की सरकार तो बदल गई, लेकिन प्रशासन नहीं बदली। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने कहा कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए आनाकानी करती है और जो चढ़ावे वाली बात है वह भी सच है। बिहार में 30 से फिर शुरू होगा आंधी बारिश का दौर।
बिहार में बारिश संबंधी गतिविधियों पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। राज्य भर में मंगलवार को मौसम साफ रहने की संभावना थी, इससे अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में गर्मी बढ़ने के आसार है। वहीं मौसम विभाग ने दो दिन बाद वापस मौसम खराब होने की आशंका जताई है। गुरुवार 30 मार्च से राज्य में दोबारा आंधी और बारिश का दौर शुरू होने वाला है। दक्षिण बिहार के जिलों में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बुधवार को दक्षिण बिहार में कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश हो सकती है। इसके बाद गुरुवार से मौसम फिर पलटी मारेगा और राज्य में आंधी और बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने पटना, गया, भागलपुर समेत दक्षिण और पूर्वी बिहार के जिलों में गुरुवार को मेघ गर्जन और ठनका गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। दादा लालू यादव और पोती का दिल छू लेने वाला वीडियो आया सामने। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब दादा बन गए हैं, ऐसे में वो अपनी खुशी में फूले नहीं समा पा रहे। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव के द्वारा दादा पोती का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया गया है। बता दें कि शेयर किए गए इस वीडियो में लालू यादव की खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। वे अपनी पोती को अपनी गोद में लिए निहारते नजर आ रहे हैं। वह अपनी पोती को देखते हुए मुस्कुराते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए राजश्री यादव लिखती हैं, दादा की प्यारी पोती, आप सभी का आशीर्वाद प्यार बना दादा पोती पे रहे। वहीं लालू यादव ने भी अपनी पोती के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और अपनी खुशी जाहिर की है। जल संसाधन मंत्री पहुंचे खगड़िया। बीते दिन बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के नया गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तटबंध का स्थल निरीक्षण किया और साथ ही स्थानीय लोगों से बाढ़ के दौरान होने वाली क्षति के बारे में भी जानकारी ली। बता दें कि संजय झा ने निरीक्षण करने के बाद अपने आने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बांध का निरीक्षण करने आए हैं। उन्होंने बताया कि जल संसाधन की टेक्निकल टीम परबत्ता का दौरा करेगी, उसके बाद रिंग बांध बनाने पर फैसला लिया जाएगा। बाढ़ से बचने के लिए अन्य काम को 1 जून से पहले पूरा कर लिया जाएगा। मालूम हो कि इस दौरान संजय झा के साथ स्थानीय विधायक डॉक्टर संजीव कुमार और विभाग के सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। पीपीएफ सुकन्या समृद्धि जैसी योजना में बड़े बदलाव की तैयारी। बता दें कि यह सभी जानकारी इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार छोटी बचत योजनाओं से बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड सुकन्या समृद्धि जैसी छोटी बचत वाली योजनाओं में बड़ा बदलाव किया जाने वाला है। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा इन जैसी छोटी योजनाओं पर डिपॉजिट या निवेश करने की प्रक्रिया में ढील दिया जाएगा। बता दें कि अगर केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण भारत के लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि इन योजनाओं में छोटी बचत करने से लोग इसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसके साथ ही मृत निवेशक की जमा राशि पर क्लेम से जुड़ी प्रक्रिया और नॉमिनेशन की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा। आधार से पैन लिंक कराने का बढ़ा इतना समय। अगर आपने भी अब तक अपने आधार कार्ड से पैन को लिंक नहीं करवाया है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि सरकार की ओर से आधार से पैन लिंक करवाने के समय को बढ़ा दिया गया है। मालूम हो कि पहले आधार से पैन लिंक करवाने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 तक थी, लेकिन अब इस तारीख को 3 महीने बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। यानी कि अब आप सभी के पास अपने आधार कार्ड से पैन को लिंक करवाने का समय 30 जून तक है, लेकिन अगर आप 30 जून तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो 1 जुलाई से आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। बता दें कि तारीख को आगे बढ़ाने से करदाताओं को इस प्रक्रिया के लिए कुछ और समय मिल जाएगा। मालूम हो कि अब तक 51 करोड़ पैन को आधार कार्ड से जोड़ा जा चुका है। सम्राट चौधरी ने नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बता दें कि अपने इस मुलाकात की जानकारी सम्राट चौधरी के द्वारा अपने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर करके दी गई है। शेयर की गई इस तस्वीर में सम्राट चौधरी पीएम मोदी को गुलदस्ता और श्रीमद् भगवद गीता किताब देते नजर आ रहे हैं। वहीं एक तस्वीर में वे पीएम मोदी से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं तो दूसरे तस्वीर में दोनों बातचीत करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस तस्वीर को शेयर करते हुए सम्राट चौधरी ने लिखा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर उनका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया। उनके कुशल नेतृत्व में राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो रहा है। उन्होंने मुझे बीजेपी फॉर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पद पर मनोनयन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। लालू यादव को कोर्ट से मिली राहत पर आरजेडी का सीबीआई और बीजेपी पर हमला। सोमवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहत दे दी गई थी। इसको लेकर अब आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने सीबीआई और बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि एक बार फिर से सीबीआई बेनकाब हो चुकी है। सीबीआई जानती थी कि लालू यादव अस्वस्थ है, उसके बावजूद सीबीआई के द्वारा कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। सोमवार को उस केस की सुनवाई थी जिसमें सीबीआई द्वारा यह मांग की गई कि लालू
प्रसाद को नोटिस जारी किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के सारे दलीलों को खारिज करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद मीडिया में यह खबर चली कि सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद को नोटिस जारी किया है। अब सवाल यह है कि सीबीआई जिस तरीके से अपनी गतिविधियों को सामने लेकर आई है, अब यह कहीं से भी छुपा हुआ नहीं है। सीबीआई बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विरोध में बोलने वाले नेताओं को सीबीआई और अन्य एजेंसियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। सम्राट अशोक की जयंती पर उपेंद्र कुशवाहा ने किया शक्ति प्रदर्शन। बीते दिन राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के द्वारा आयोजित बिहार की राजधानी पटना में स्थित बापू सभागार में सम्राट अशोक की जयंती समारोह में शिरकत की। बता दें कि इस दौरान उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे से जो भूल हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं और सम्राट अशोक की कसम खाकर कहता हूं कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, हम अपनी पार्टी बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब हम जेडीयू से अलग हुए थे तो पार्टी कमजोर हो गई थी और हम बीजेपी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी और सम्राट चौधरी की नहीं पटेगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, अब 22वीं सदी आ गई है। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि अब जेडीयू नाम की कोई पार्टी ही नहीं रहेगी, उनकी पार्टी में कोई लोग नहीं है। आईपीएल 2023 के स्वागत समारोह में ये सितारे करेंगे परफॉर्म। 31 मार्च से आईपीएल 2023 की शुरुआत होने वाली है। बता दें कि आईपीएल 2023 का पहला मैच गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। हालांकि मैच से पहले हर साल की तरह इस साल भी आईपीएल के नए सीजन के स्वागत के लिए ओपनिंग सेरेमनी आयोजित किया जाएगा। बता दें कि इस बार ओपनिंग सेरेमनी में किन किन सितारों के द्वारा परफॉर्मेंस किया जा रहा है इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रश्मिका मंधना और तमन्ना भाटिया आईपीएल 2023 के ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करती नजर आ सकती हैं। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इस ओपनिंग सेरेमनी में कैटरीना कैफ, टाइगर श्रॉफ और अरिजीत सिंह भी परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं। मालूम हो कि ओपनिंग सेरेमनी का यह इवेंट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। अकबर ने 1561 में मालवा की राजधानी सारंगपुर पर हमला करके बाज बहादुर को हरा दिया। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बंगाल नेटिव इन्फ्रेंट्री विद्रोहों और लंबे समय से चल रहे 1857 के सिपाही स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही मंगल पांडे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने गए। स्वतंत्रता सेनानी एवं नेता लक्ष्मण नायक को 1943 में बरहामपुर की जेल में फांसी पर लटका दिया गया। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का 1954 में उद्घाटन किया गया। तेलुगु देशम पार्टी का एनटी रामाराव के द्वारा 1982 में गठन हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक भवानी प्रसाद का 1913 में आज ही के दिन जन्म हुआ। भारतीय फिल्म अभिनेता उत्पल दत्त का 1929 में जन्म हुआ। 1963 में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सियाराम सरन गुप्त का निधन हुआ। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के रिश्ते पर लगी मुहर। इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा अपने रिश्ते को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। बता दें कि इनके लिए ये चर्चाएं तब शुरू हुई जब दोनों को एक साथ एक रेस्टोरेंट के बाहर देखा गया था और तब से ही कयास लगाए जाने लगे थे कि दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बन सकते हैं। बता दें कि अब दोनों के रिश्ते को लेकर आप नेता संजीव अरोड़ा के द्वारा मुहर लगा दी गई है। दरअसल संजीव अरोड़ा ने ट्वीट कर कहा है कि मैं राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को हृदय से बधाई देता हूं। उनके मिलन का प्यार आनंद और साहचर्य की प्रचुरता से नवाजा जाए, मेरी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इंडिया अपडेट नामक यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में दावा किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को 20 साल के लिए बैन कर दिया गया है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है। व्हाट्सएप पर ऑडियो के लिए लोगों को मिलेगा ये फीचर्स। व्हाट्सएप पर ऑडियो के लिए बहुत जल्द ही लोगों को नए फीचर्स मिलने वाले हैं। दरअसल WA बीटा इन्फो ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा है कि व्हाट्सएप एंड्रॉइड बीटा के लिए नए फीचर पर काम कर रही है। इस फीचर के आने के बाद आप ऑडियो के साथ भी व्यू वन सेट कर सकेंगे। इसका मतलब हुआ कि कोई उस वीडियो को सिर्फ एक बार ही सुन सकेगा। अब व्हाट्सएप सिर्फ फोटो और वीडियो ही नहीं बल्कि ऑडियो के साथ भी सिक्योरिटी जोड़ रहा है। बता दें कि व्हाट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर और अधिक सिक्योर बनाने के लिए व्यू वन फीचर पेश किया था। अगर इस फीचर को ऑन कर यूजर्स कोई वीडियो या फोटो भेजते हैं तो उसे सिर्फ एक बार ही देखा जा सकता है। इतना ही नहीं आगे चलकर फीचर को इतना सिक्योर बनाया गया कि यूजर्स व्यू वंस के तहत आए वीडियो या फोटो की ना तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और ना ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
स्कूलों की मान्यता के लिए सीबीएसई ने लागू की नई नीति। सीबीएसई के द्वारा स्कूलों को मान्यता देने के लिए सत्र 2024 से 25 के लिए नई नीति लागू कर दी गई है। बता दें कि अब स्कूलों को सीबीएसई से मान्यता तभी मिलेगी जब स्कूलों के द्वारा ड्रोन की मदद से वीडियोग्राफी कर कुल 33 मिनट का एक वीडियो बनाया जाएगा। बता दें कि स्कूलों के द्वारा 33 मिनट के बनाए गए इस वीडियो में स्कूल में मौजूद अग्नि सुरक्षा, साफ सफाई, पीने का पानी, लैब, पुस्तकालय और खेल के मैदान जैसे 11 बिंदुओं से जुड़ी सुविधाओं को दिखाया जाएगा। इस वीडियो के आधार पर सीबीएसई के निरीक्षण दल के द्वारा स्कूलों को संबद्धता या मान्यता दी जाएगी। बता दें कि बोर्ड के द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वीडियो में जिन 11 बिंदुओं को दिखाया जाएगा वो निर्धारित किए गए समय के अनुसार ही वीडियो में होने चाहिए और साथ ही स्कूलों की ओर से बनाया जाने वाला वीडियो शॉर्ट वीडियो या जोड़कर नहीं बनाया जाना चाहिए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बिट्टू कुमार राज, शंकर मुखिया, शोरेश्वर कुमार, सुमित कुमार, विपिन लाल वर्मा, मोहम्मद सकीर हुसैन, उमेश ऋषिदेव, कुमारी संजना, लाला राय, पवन सिंह, रमन कुमार, अतीक खान, कुमारी सानू, अनवर करीम खान, अजय कुमार राय। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है बिहार का आपका सबसे पसंदीदा राजनीतिक नेता कौन है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।